हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। देखिए, हम अपने चैनल पे एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी के कुछ न्यूज़ और कुछ आर्टिकल को आपके सामने शेयर करते हैं। और ये वीडियो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई ऐसी अपडेट होती है, कई ऐसे करेंट अफेयर्स होते हैं जो आपसे छूट जाते हैं, जो कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस श्रृंखला में हम आपको आज टॉप 10 न्यूज़ दिखाएंगे, टॉप 10 आर्टिकल दिखाएंगे जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही सामने आई है। तो बने रहिए इस वीडियो में, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये इससे आपको ये मान के चलिए कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी न्यूज़ मैं आपको कवर कर रहा हूँ जो A to Z होती है, ठीक है। तो देखिए, पहली खबर है कि DU, PG और MPhil और PhD में दाखिले शुरू 31 अगस्त तक आवेदन आप कर सकते हो। देखिए, कई SOL और NCBF के स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या सोल वाले भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आपको सोल में अगर MA करनी है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का PG वाला फॉर्म भरोगे, जब मैं कॉलेज चूज़ करने के लिए बोलेगा तो मैं आपको सोल सिलेक्ट करना है। अगर आपको NCBF में जाना है तो मैं NCBF सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो तीनों का फॉर्म एक ही है, सोल की वेबसाइट पे फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको सिंपली डालना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल लिंक डालना है, आपको आ जाएगा वहाँ PG एडमिशन सेलेक्ट करके जो आपका प्रोसेस है उसे आप आगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो कितनी हज़ार सीटों पे है आप देख सकते हो, वो अब मैं आपको बता दूँ। तो पहली न्यूज़ ये थी। अब दूसरी न्यूज़ क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। वर्चुअल ओपन डेज में मिलेंगे सवालों के जवाब, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए PG, MPhil और PhD के दाखिले संबंधी जानकारी देने के लिए वर्चुअल ओपन डेज की शुरुआत करने जा रहा है। वर्चुअल ओपन डेज की शुरुआत 27 जुलाई से होगी, यानी हो चुकी है, और 30 जुलाई तक चलेंगी। इन ओपन डेज के माध्यम से विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया, पंजीकरण करने व दाखिले फॉर्म भरने से लेकर दाखिले से जुड़ी अन्य जानकारी मिलेंगी। वेबिनार को DU के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर टेलीकास्ट किया जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने एक स्कीम प्रोवाइड कराई है, आपको कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप इससे उनसे पूछ सकते हो। अब देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, परीक्षा नहीं तो छात्रों से वसूला गया शुल्क वापस। देखिए, ये किन स्टूडेंट पर लागू है? देखिए, फाइनल ईयर को छोड़ के फर्स्ट और सेकेंड ईयर की परीक्षाएँ नहीं कराई गई है, फिर भी परीक्षा शुल्क लिया गया है, यानी पैसे लिए गए हैं परीक्षा के लिए, एडमिशन हुआ है सेमेस्टर में। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष को छोड़कर अन्य सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं हो रही, इसके बाद ही विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई विद्यार्थियों के परिवार जीवन यापन के लिए आर्थिक संकट झेल रहे हैं, ऐसे में मांग उठने लगी है कि परीक्षा शुल्क भर चुके विद्यार्थियों को जमा राशि वापस की जाए। यानी गुड न्यूज़ उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने सेमेस्टर में एडमिशन करवाया है, उनकी परीक्षा वापस हो सकती है दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आप पढ़ते हैं तो। इसके लिए KYES यानी सात संगठन क्रांतिकारी ने एक लेटर भी लिखा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कई स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर कितनी सीटों पे PG के एडमिशन हो रहे हैं? तो दिल्ली PG और MPhil PhD की 20,000 सीटों पर दाखिला प्रक्रिया आज से, यानी 1,000 से 2,000 सीटें SOL को दी गई हैं, ऐसी NCBF को दी गई है। तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय की पे जाके 31 अगस्त से पहले अपना आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करने के बाद आपको NTA देना पड़ेगा, यानी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, वरना दिल्ली यूनिवर्सिटी का टेस्ट, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट देना होगा। पर इस बार भी नहीं लिया जाएगा साक्षात्कार, यानी इस बार आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा अगर आप PhD और MPhil में अगर एडमिशन लेते हैं तो, ठीक है। सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेरिट के टेस्ट पर आपका एडमिशन होगा। अब देखिए, विद्यार्थियों पर फीस का दबाव ना बनाए संस्थान। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने राज्यों और कॉलेजों को लिखा पत्र कि कोई भी विद्यार्थियों से पैसा ना वसूला जाए, उन पर दबाव ना बनाया जाए, क्योंकि कोरोना के चलते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। शिक्षकों को नौकरी से नहीं निकालने का भी आदेश दिया है। तो ये तो नॉर्मल नहीं हूँ जी, अमर उजाला के द्वारा।
अभी इग्नू वालों के लिए, अगर आप इग्नू से पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं तो एक नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, इग्नू सस्टेनेबिलिटी साइंस। सस्टेनेबिलिटी साइंस में करें ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। सस्टेनेबिलिटी साइंस में ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा भी करवाएगी, किसी भी प्रोग्राम में स्नातक छात्र इस ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नया है, अब इग्नू तो करता ही रहता है, कई सारे सर्टिफिकेट भी इन्होंने चला दिए। कोई नहीं, ये आपके लिए न्यूज़ ही, तो आपको जानना ज़रूरी थी। एम फिल पी एच डी के लिए भरना होगा कॉमन फॉर्म। अगर आप एम फिल या पी एच डी करने का सपना देख रहे हैं, या अगर आप डॉक्टर डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपको कॉमन फॉर्म भरना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय डी यू पी जी में एम फिल पी एच डी दाखिले के लिए पोर्टल सोमवार को लॉन्च करेगा, यानी वो तो हो चुका है। इन कोर्स में छात्रों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन टी ए की ओर से होने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला दिया जाएगा, यानी एंट्रेंस टेस्ट। पी जी में दाखिले के लिए छात्रों को एक ही फॉर्म भरना होगा। यदि छात्र एक फॉर्म में एक से अधिक कोर्स के लिए आवेदन करते हैं तो अलग अलग शुल्क का भुगतान करना होगा। एम फिल पी एच डी के लिए कॉमन फॉर्म में आवेदन किया जा सकता है, दाखिला प्रक्रिया 31 अगस्त तक है, 31 से 21 अगस्त तक है। ठीक है, डीयू की ओर से पहले पोर्टल को रविवार को लॉन्च करना तैयार था, पर अब इसे सोमवार को लॉन्च कर दिया गया। कोई नहीं, नॉर्मल है। 1.5 साल बाद दर्जन भर केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी कई सारे ऐसी यूनिवर्सिटी थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय थे जिनके 22 चांसलर नहीं थे, पर शुक्र बनाने वाली बात है कि 12 ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिनको उनके परमानेंट कुलपति मिल चुके हैं। न्यूज क्या, न्यूज भी पढ़ लेते हैं। करीब 1.5 साल से खाली 12 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को आखिरी स्थायी कुलपति मिल गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को 12 नामों की मंजूरी दे दी है, पर जेएनयू और डीयू को नहीं मिले कुलपति। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को अभी तक इनका वाइस चांसलर नहीं मिला, इसमें एक्टिंग वाइस चांसलर ही अभी काम कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू और विश्वविद्यालय में कुलपति पद अभी भी खाली है। दोनों विश्वविद्यालयों में कार्यकारी कुलपति काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले चरण में इन दोनों विश्वविद्यालयों को भी स्थायी कुलपति मिल जाए, यानी 22 चांसलर। विश्वविद्यालयों के कुलपति पद के लिए सर्च सिलेक्शन कमेटी द्वारा चयनित सूची में इन नामों को मंजूरी दी है। पंजीकरण की अंतिम तिथि से 4 दिन पहले जमा कराए रिजल्ट। ये न्यूज क्या, बहुत मस्त न्यूज है, इसे आप पढ़ लेते हैं। डीयू के अधिकारियों ने ऑनलाइन ओपन डेज में दी जानकारी। परिणाम नहीं आया हो तो परीक्षा शाखा मांग सकते हैं गोपनीय रिजल्ट। यानी कि अगर आपका भी रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपना कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट ले सकते हो। आप पढ़ लेना न्यूज़, ठीक है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बढ़ रहा है तो मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा, तो मैं मेन आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। आप देखिए, अब एक और है न्यूज़ है। कौशल बीबी यानी विश्वविद्यालय में 17 अगस्त तक करें आवेदन। दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय DSU में दाखिले के इच्छुक छात्रों के लिए, ये दिल्ली इसकी है, दिल्ली सरकार की अच्छी खबर। विश्वविद्यालय ने अब डिप्लोमा स्नातक अन्य पाठकों में दाखिले की आवेदन तिथि को बढ़ाकर 17 अगस्त कर दिया गया। उक्त निर्णय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजों में हो रही देरी को देखते हुए लिया गया। चलो, कोई नॉर्मल न्यूज है। सर्च विकल्प से छात्रों को मिल रही है सभी जानकारी, वही जो हमने पोर्टल आपको बताया था उससे सारी जानकारी मिल रही है, नॉर्मल न्यूज है। अब देखिए, ये एक नोटिफिकेशन निकाला गया दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, यानी NTA का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपके कब कब टेस्ट कराए जाएंगे, किस किस आवेदन की क्या क्या लास्ट डेट है। देखिए, आपको PG एडमिशन अगर लेना है तो ये उसका लिंक है, आप लिंक देख लीजिए, https://pgadmission.duodac.in/4pgadmission। PhD के लिए आप इधर जाओगे, आप देख लीजिए, NTA की वेबसाइट है। और ये रहा आपका DU के लिए एडमिशन के लिए, UG के लिए ये है, PG के लिए ये है, फ़ोन नंबर ये है, और ये रहा इनके हस्ताक्षर। इसी के साथ न्यूज आज की ये ख़त्म होती है, और ऐसी कुछ अच्छी अच्छी खबर मैं लेके आऊँगा जो दिल्ली विश्वविद्यालय से सामने आई है। और आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी ऐसी अपडेट जो आपसे रह ना पाए, अगर छूट जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।